मुझे नहीं पता था आंखों से बात कैसे करते हैं, जब तक तुम्हारी आंखों में नहीं देखा था। मन में एक अजीब सी बेचैनी है, मुझे पता नहीं था कि मैं भी बेचैन हो सकता हूं जब तक तुम्हें नहीं देखा था। मुझे नहीं पता था कि दिल के बिना जी नहीं सकते हैं जब तक उसे तुमने नहीं छुराया। आई लव यू। हेलो, अरे ये सब उर्दू में सिखाओ ना। ये सब तुम मुझसे कह रहे हो? अरे ये मैं तुमसे क्यों कहूंगा, मैं तो अपनी शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ, तुम सिर्फ ट्रांसलेट करो। शॉर्ट स्टोरी? हाँ। तुम मेरी हाइट का मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारी हाइट क्यों? तुमने शॉर्ट स्टोरी कहा ना, तुमने मुझसे कहा ना। अरे यार मैं तुम्हें ऐसा क्यों कहूंगा, मेरी शॉर्ट स्टोरी तो मेरे कॉलेज में है, उसके लिए। जो वो मुझसे कहना चाहता है मैंने उसे वही बताया। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से बाहर आकर खुद को ही देख रही हूँ। तो तूने उसे बताया क्या? टॉपिक चेंज करके कुछ और ही बात की। बेचारा लड़का। क्यों, क्या हुआ? वो मुझसे बोलना चाहता है ना, तो बोलने दो। मीनिंग थोड़ी मुश्किल है पर फीलिंग इम्पोर्टेंट। उल्फते मोहब्बत का वो भी क्या मंजर था, एक कशिश, एक कसक सी थी दिल में और धड़कने बढ़ गईं। और अरे रामू बेटा, यहाँ अकेले बैठ के क्यों मुस्कुरा रहा है? अरे कुछ नहीं भाई, मैं अपनी फीलिंग्स को उर्दू में लिख रहा था, जैसे शेरो शायरी होती है। शायरी? हाँ। तुझे मेरी भाषा आती है क्या? नहीं, सीख रहा हूँ भाई। अरे रामू बेटा, कहीं तुझे हमारी धर्म की लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? क्यों, गलत होगा? बिल्कुल नहीं भाई, बीवी मतलब घर की मालकिन। हमारे यहाँ की लड़की तुम्हारे घर की मालकिन बनेगी तो हमें तो खुशी होगी ना। अरे तुम निकाह करो, बस एक डाउट है, क्या तुम्हारे धर्म की लड़की हमारे यहाँ शादी कर सकती है? इस्माइल भाई, जिस दिन मुझे बेटी होगी ना, वो तुम्हारे घर की मालकिन बनेगी, ठीक है? ओए वाह 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 वाह, चलो शायरी शुरू करो। तेरी नजरें हैं दवाखाना, तेरी प्यारी प्यारी सी मुस्कान है पैखाना, तेरे आंसू है गुसल खाना, मेरी प्यार की आतिश को है तुझे खुजाना। अगर तुझे मेरी दीवानगी है पसंद, तो बना ले मुझे अपना गुलकंद और चुम्मा दे दे जुम्मा को। मजा आया इस्माइल भाई? मैं तुझे काटना चाहता हूँ, मैं तुझे नोचना और मारना चाहता हूँ, तुझे रोते हुए देखना चाहता हूँ, तेरे साथ रोना चाहता हूँ। अगर मेरा पागलपन पसंद आया, अगर मेरे जुनून पर विश्वास है, तो आजा मिलकर प्यार करेंगे, आजा। यही कहना था? गलत है क्या? हाँ। तुझे उसका प्यार पागलपन लगता है क्या? अगर पागलपन ना हो तो वो प्यार नहीं होता। जब वो कहेगा तब तुम क्या करोगी? थोड़ा हंसूंगी, थोड़ा नखरे दिखाऊंगी। सैडिज्म। प्यार में थोड़ी सी जलन भी होनी चाहिए। प्यार में अगर हम आंसू बहाएं तो दर्द होता है, कोई और हमारे लिए आंसू बहाए तो प्यार होता है। हेलो। हे, वो आ गया। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। नहीं पता था कि खामोशी भी सुनाई देती है, जब तक हमने आपकी आंखों की खामोशी नहीं सुनी। नहीं पता था कि डिस्टर्बेंस भी जरूरी है, जब तक आपके डिस्टर्बेंस ने हमें जगा ना दिया। नहीं पता था कि जान के बगैर भी हम जी सकते हैं, आपने हमारी जान ले ली फिर भी हम जी रहे हैं। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का, इंतजार करूंगा, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। टीचर, 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 आप यहाँ बैठी हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी, आप यहाँ क्या कर रही हैं?
उसने बताया? नहीं बताएगा क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? Just for fun. उसके साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही हो? उसे सॉरी बोल दूं क्या? वो सॉरी क्यों सुनना चाहेगा? अगर वो लड़की इससे प्यार करती है तो राजाराम को तब परेशान नहीं होना चाहिए। क्या तुम भी किसी से प्यार करती हो और वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है? प्यार मुझसे मतलब? वो लड़की उसे आई लव यू कह दे, बस यही चाहता है वो। उसने तुमसे मदद मांगी और तुमने ये किया? अच्छा, ओहो, इसीलिए डॉक्टर से कोई भी बीमारी और टीचर से कोई भी डिटेल नहीं छुपानी चाहिए। वैसे प्यार किसी भी भाषा में हो समझ आ ही जाता है, शायद ऐसा हो चुका है। वैसे आपका बेटा कहाँ है? उसे कुछ पसंद आ जाए तो उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसे अभी वो शूज चाहिए, वो 6,000 के हैं फिर भी उसे वही चाहिए। वो अपने जीते हुए सारे मेडल लेकर चला गया है, मेरी भी नहीं सुनी। पैरों में पहनने वाले स्पाइक्स को अगर वो इतना प्यार करता है तो दिल में रहने वाली लड़की को कितना प्यार देगा? मेडल्स तो क्या, अपनी जान दे देगा। राम, प्लीज राम, हमें बचाओ राम। उसे मत बेचो सर, वो जूते मर जाएंगे सर। ये मोटे, तेरे पैर बहुत बड़े, छोड़ हमें। प्लीज सर, उसे मत बेचो सर। दर्द हो रहा है मुझे, मानेगा नहीं मोटा। सर ऐसा मत करो, छोड़। अच्छा, छोड़ दे यार। ये लो पैसे रखो और मेरे मेडल्स भी रख लो प्लीज। अरे लेकिन सोलापुर फुटवेयर में तुम्हें सोलापुर मिलेगा क्या? ये गोल्ड मेडल्स हैं, असली का गोल्ड नहीं है, सिर्फ शो है। मैंने आपको बेच नहीं रहा हूँ सर, गिरवी रख रहा हूँ, पैसे आते ही वापस ले लूंगा। जूते की दुकान से उधार लेने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। सर नेशनल्स शुरू होने वाले हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो करो ना, इसमें मैं क्या करूं? ये मेडल्स मेरे किसी काम के नहीं है। ये सिर्फ मेडल नहीं है, मेरी जिंदगी है। बाबू तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे काम की और किसी की नहीं है, इस दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं है। जाओ बाबू, लो ये पकड़ो जाओ। भाई साहब ये स्पाइक्स तो छोटे। सर प्लीज मुझ पे ये एहसान कर दीजिए। राम अब जाओ, एक मिनट इधर आओ। जी बोलिए। ये 6,000 तुम्हारे शूज के लिए। लेकिन आप? मैंने नहीं दिए, उसने दिए हैं, लो ना। उसने खुद आके क्यों नहीं दिए? नजीरा तुम खुद ही आकर दे दो। मैं अनजान लोगों से एहसान नहीं लेता हूं। पहले अपना चेहरा दिखाओ। तो रखो अपने पैसे। मैं दूंगी तो चलेगा क्या? नहीं, इसी के हाथ से लूंगा, लेकिन चेहरा देखने के बाद। तुम वैसे भी अपने मेडल्स गिरवी रखने वाले थे ना, तो इसी को दे दो। आंखें तो बहुत बोलती हैं, जबान क्यों नहीं चलती? गूंगी हो क्या? ओए, सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? कब तक इंतजार करूं? वो शूज ही तुम्हारा जवाब है। इसका मतलब दिल दे दिया मुझे? दो घड़ी बात तो कर लो। राम। हाँ? वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे कुछ कहना है। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, तुम खुद ही ढूंढ लो। ये तो बताओ उसे ढूंढू कहाँ? क्या है यहाँ पर? तुम मेरा इंतजार कर रही हो और मुझे ही दौड़ा रही हो? ओ यार, मैं तो इंतजार के पल सुहाने लगता है ना। भले ही तुम मुझे कभी कभी दिखती हो, लेकिन तुम मेरी आंखों में हमेशा रहती हो। तुम कुछ कहना चाहती थी, कहो। तुम्हारे मुंह से वो सुनने के लिए मेरे दिल की धड़कन रुकी हुई है। क्या हुआ? आई लव यू कहना है? लव लेटर का आइडिया अच्छा है।
नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गए बेटा। मैं जानता था तुम सेलेक्ट होगे। नेशनल स्टूडेंट राजाराम मेरा स्टूडेंट है, मैं गर्व से कह सकता हूँ। नो डाउट सफलता तुम्हारे पैर चूमेगी। भागो बेटा, जस्ट डू इट। थैंक्स नजीरा, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम्हारे पीछे भाग रहा हूं और जीत भी रहा हूं। मेरी लाइफ का सबसे पहला ऑटोग्राफ तुमने मुझसे मांगा, तुमने मेरे लिए मेरे फेवरेट स्पाइक्स भी खरीद के दिए। मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गया हूं ये तुमने पहले बताया। मेरी हर रेस के मोड़ पर तुम ही खड़ी मिलती हो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा खूबसूरत चेहरा, तुम्हारे दिल में किस कदर बसा हूं वो भी देखना चाहता हूं। अब मुझसे और आने जाने। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये चीटिंग है। सुनो, तुम मुझे अपना चेहरा दिखाए बिना जा नहीं सकती। मैं देखकर ही रहूंगा।